यहाँ बैतूल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, आमला, भैंसदेही, बैतूल, चिचौली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बैतूल में आमला, भैंसदेही, बैतूल, चिचौली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रशासन ने नई दिल्ली सीआरसी सेंटर से जानकारी ली है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के चिकलदर्रा के पास भूकंप का केंद्र था, जिसके बाद अमरावती, नागपुर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों, कुछ क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल, आमला, भैंसदेही और चिचोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने दिल्ली के सीआरसी सेंटर से इसकी जानकारी ली है। महाराष्ट्र के चिकलदर्रा के पास भूकंप का केंद्र था, अमरावती और नागपुर तक भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप के मामूली से झटके थे, जिनसे कोई हताहत की खबर नहीं आई है, कोई जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि ये झटके बैतूल में महसूस किए गए हैं। भूकंप के बैतूल के साथ साथ आमला, भैंसदेही, बैतूल, चिचौली में ये झटके महसूस किए गए हैं। प्रशासन ने नई दिल्ली सीआरसी सेंटर से भूकंप के झटकों की जानकारी ली है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। महाराष्ट्र के चिकलदर्रा के पास भूकंप का केंद्र बताया गया है, साथ ही अमरावती और नागपुर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा बड़े झटके नहीं थे, हल्के हल्के झटके थे जो महसूस किए गए हैं। बैतूल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल, आमला, भैंसदेही और चिचोली में भूकंप के झटके, वहीं महाराष्ट्र के चिकलदर्रा के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अमरावती और नागपुर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रशासन ने नई दिल्ली सीआरसी सेंटर से भूकंप की जानकारी ली है। भूकंप के झटकों के बारे में जानकारी ली गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।